अरविंद केजरीवाल कैप्टन अते बादलां दे उपर वरे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। चन्नी ने कहा कि हाले तां का मार के टंगे ने, पिक्चर अजे बाकी है। पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब दी सियासत दा केंद्र बिंदु बने हुए ने। चन्नी दे वल्लों धड़ाधड़ एक तो बाद एक लए जा रहे फैसले अते दिन रात लोकां दे विच अपनी मौजूदगी जिथे उन्हां नूं सियासी तौर ते होर ज़्यादा मजबूत बना रही है, उत्थे ही विरोधी इस सब दे उपर कई तरह दीआं दलीलां दे के उन्हां दी आलोचना भी करदे आ रहे ने। पर मुख्यमंत्री दी सुणीए तां उन्हां दा मनना है कि हर व्यक्ति नूं अपनी चाल चलदे रहना चाहीदा है। उन्हां मुताबिक दूजे दी लाइन नूं छोटी करन दी बजाय खुद दी लाइन नूं वड्डा कर लेना चाहिदा है। चन्नी दे मुताबिक पब्लिक फिगर नूं हमेशा लोकां दे लई काम करना चाहिदा है। मेरा काम लोकां दीआं लोड़ां नूं पूरा करना है, ना कि विरोधी धिर दीआं फालतू गल्लां दे विच उलझे रहना है। उन्हां कहा कि अजे तां का मार के टंगे ने, पिक्चर अजे बाकी है। पंजाब दी मौजूदा सियासी स्थिति, 2022 दीआं असैंबली चोणां, कांग्रेस दे भविख अते अरविंद केजरीवाल दे नाल ही अकालियां दे हर तरहां दे सवाल नूं लै के उन्हां ने खुल के गल्लबात पेश कीती। इस दे नाल ही एक इंटरव्यू दे विच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जिथे सियासी मसलियां दे उपर गल कीती है, उत्थे ही उन्हां ने अपने परिवारक पिछोकड़ नूं लै के भी कई अणसुणे किस्से सुनाए ने। जिथे कि चरणजीत सिंह चन्नी कहिंदे ने कि बेशक मैं पछड़े जाति वर्ग दे नाल संबंधित हां, पर मेरे फैसले सब वर्गां दे वास्ते ने। अज मैं पानी दीआं मोटरां दे बिल माफ कीते ने, पेट्रोल सस्ता कीता है, रेत सस्ती कीती है। ए पूरे पंजाब दे वास्ते है, ना कि किसे एक वर्ग दे वास्ते। पंजाब तां अज वी गरीब ही है। हालांकि इस तों पहलां पंजाब विच रजवाड़ा शाही सियासत कैप्टन अते बादलां दे दरमियान ही चलदी रही है। उन्हां ने हमेशा मैच फिक्सिंग करके पंजाब दे लोकां दे नाल खेड़िया है। मैं अजिहा बिल्कुल भी नहीं होण देवांगा। ए तब्दीली सोनिया जी अते राहुल जी दी सैकुलर सोच दे कारण ही संभव हो सकी है। ए भी सच है कि जदों फोन ते राहुल जी ने मैनूं पंजाब संभालण दा निर्देश दिता तां एक समय दे वास्ते मैं भावुक हो गया सी, पर अज पंजाब दा हर वासी खुद नूं पंजाब दा सीएम मनदा है। चन्नी दे कोलों जदों नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों खुद दी सरकार नूं मुद्दियां ते घेरण अते मरण वर्त रखण दी चेतावनी दा सवाल कीता गया तां सीएम ने कहा कि सिद्धू साडे प्रधान हन, उन्हां दी मैनूं चिंता है, इस लई उन्हां दी जान नूं दौ ते नहीं लगण देंगे। रही गल ड्रग मामले दी तां ओह अजे अदालत दे विच है। रही गल मजिठिया दी तां मैं उस नूं स्पष्ट शब्दां दे विच कहा है कि उस दी रोम रोम किसे ना किसे गंदगी दे नाल भरी होई है। भावें ओह रीता बदरी दी गंदगी है, भावें करप्शन अते ड्रग्स दी क्यों ना होवे, जे परमात्मा ने चाहिया तां हिसाब बराबर जरूर होवेगा। विक्रम मजिठिया दे वल्लों कारवाई करन दी ललकार ते चन्नी ने जवाब दिता है कि तुसी उस दे दिल कोलों पुछ के वेखो, ओह अदालतां दे चक्कर कट रिहा है, भाई साहब पानी पुलां दे हेठों ही लंघदा है। रही गल बेअदबी दी तां इस मामले दे विच जांच डेरा मुखी तक पहुंच चुकी है। असी अदालत दे मामलियां च दखल अंदाजी नहीं कर सकदे। नवजोत नाल मेरा प्यार है, ओह साडी पार्टी दे प्रधान हन, मेरे मन विच उहनां लई सतिकार है। मैनूं आलोचना बहुत पसंद है अते खुशामदी करन वाले लोक मैनूं चंगे नहीं लगदे। आलोचना करन वाले दा मैं हमेशा धन्नवाद करदा हां। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੋਚਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣੀ ਜਾਂ ਦੇਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ।